गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं विद्यानंद एंड आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि मेरी वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हो रही होगी। आज की जो जॉब ओपनिंग है गाइज, वो बायजूस की तरफ से है और वो भी नॉन सेल्स प्रोफाइल के लिए। जी हाँ, सही सुना आपने, नॉन सेल्स प्रोफाइल, जहां आपको किसी भी तरह से सेल्स प्रोफाइल में काम नहीं करना है एंड कोई भी टारगेट अचीव नहीं करना है गाइज आपको। ये प्रोफाइल एक कम्प्लीटली टीचिंग प्रोफाइल रहने वाली है एंड यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स के डाउट्स को सॉल्व करना है। यहाँ पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सैलरी कितनी मिलने वाली है, अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है, इंटरव्यूज कैसे होंगे, कितने राउंड्स में होंगे, ये सब कुछ अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें, जिससे कि सारी जॉब्स अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन्स पर और जानते हैं जॉब डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पे गाइज हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बायजूस का ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको अप्लाई करना है। अप्लाई का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहां से आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं गाइज यहाँ पे जो ओपनिंग है उसके बारे में। तो जो ओपनिंग है गाइज, वहां पे इन्होंने डाला है एकेडमिक स्पेशलिस्ट बायजूस क्लासेस, यानी कि एकेडमिक स्पेशलिस्ट का आपका पोस्ट रहने वाला है। एक्सपीरियंस की बात करें गाइज, तो यहाँ पे 0 से 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इनके पास चाहिए होगा। लाइक अगर आप फ्रेशर भी हैं लेकिन आपके पास पैसन है टीचिंग करने का, आपको पढ़ाने पढ़ाने आता है, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जॉब्स गाइज इनके पास 136 ओपनिंग्स है, 136 ओपनिंग, और पूरे पैन इंडिया में ये जॉब कर रहे हैं, इन्होंने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं पूरे पैन इंडिया से। रोल डिस्क्रिप्शन है गाइज यहाँ पे, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहने वाली है, तो एकेडमिक स्पेशलिस्ट एज आई सेड। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात हम लोग कर लेते हैं गाइज। तो कंडक्टिंग ऑनलाइन ऑडियो एंड वीडियो क्लासेस, क्लेरिफाइंग डाउट्स, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर आवर स्टूडेंट्स इन ग्रेड 4 to 10 ऑन आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म। यानी कि इन्होंने साफ क्लियरली मेंशन किया है गाइज कि क्लास 4 से लेकर के 10 तक के स्टूडेंट्स की आपको हेल्प करनी है यहाँ पे, उनको किसी भी तरह का डाउट आएगा तो वो क्लियर करना है आपको। सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइज, प्रोवाइडिंग एन एरर फ्री स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस टू द क्वेश्चन रेज बाय द स्टूडेंट्स। यानी कि अगर स्टूडेंट्स आपके आपसे किसी तरह का क्वेश्चन रेज करता है तो उसको एक एरर फ्री स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देना है, यानी कि पूरी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करनी है वहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होगी। अब मैं सब्जेक्ट की बात करूँ गाइज, तो किस सब्जेक्ट के लिए ये हायरिंग कर रही है, तो हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू स्ट्रेंथन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। अगर आपकी गाइज साइंस एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट अच्छी है या फिर साइंस या फिर मैथमेटिक्स आप अच्छी है और आप पढ़ा सकते हैं, आपकी कॉन्सेप्ट सारी क्लियर है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वर्क लोकेशन गाइज, इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि बैंगलोर वर्क लोकेशन है, बट वर्क फ्रॉम होम अंटिल फर्दर नोटिस, यानी कि कोविड के कारण इन्होंने भी वर्क फ्रॉम होम ही रखा है जब तक कि कोविड की सिचुएशन सही नहीं हो जाती है। एम्प्लॉयमेंट टाइप है गाइज, तो यहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, ये किसी भी तरह का कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर पार्ट टाइम जॉब नहीं है, यहाँ पे आपको फुल टाइम जॉब है। सैलरी की बात करूँ गाइज, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है 4.7 LPA, यानी कि 4,75,000 पर एनम इन्होंने सैलरी डिसाइड की है, जिसमें से कि 4 LPA आपकी फिक्स रहेगी एंड 75,000 एज इंसेंटिव रहेगा। तो लगभग आप मान के चलिए गाइज, तो 35,000 रुपये पर मंथ तो आपकी फिक्स रहने वाली है। स्किल्स आपके पास गाइज क्या होना चाहिए, आपके पास स्किल सेट क्या होना चाहिए, तो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, एन आइडियल कैंडिडेट शुड बी हैव अ पैशन फॉर टीचिंग एंड क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इट मीन्स कि आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस ना हो तो चलेगा, बट आपके पास पैशन होना चाहिए कि हाँ मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं स्टूडेंट्स की क्लियर डाउट्स को सॉल्व कर सकता हूँ। हैव अ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 4 to 10, यानी कि क्लास 4 से लेकर के क्लास 10 तक आपके पास साइंस एंड मैथमेटिक्स या फिर सिर्फ साइंस और फिर सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए एक अच्छा सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए। इम्पेसेबल कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, लाइक कि आप बोल सकते हो, लिख सकते हो। बेसिकली इनका कहना है कि आप अपना जो भी स्टूडेंट्स का डाउट है वो किसी भी लैंग्वेज में आप उसको सॉल्व कर सकते हो, तो मोस्टली गाइस यहाँ पे इंग्लिश ही एप्लीकेबल होने वाली है। तो बी एबल टू मैप थियोरिटिकल नॉलेज टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मतलब कि यहाँ पे सिंपली इसका मतलब है गाइस कि
आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बेसिक इनका फंडा यही है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है स्टूडेंट्स के, जो भी ये होने वाली है, जो भी डाउट्स होने वाली है। बी ए सेल्फ ड्रिवन क्विक लर्नर एंड सो एडेप्टेबिलिटी टू न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड टूल्स। नेक्स्ट है गाइस, सो डिमॉन्स्ट्रेटेड एबिलिटी टू मल्टी टास्क एंड थिंक क्रिएटिवली क्रिएटिवली। एंड लास्ट है गाइस इनका, बी एबल टू मेक लर्निंग इजी फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड ऑफ डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज। तो ये थी गाइज आज की जॉब ओपनिंग। इसका जो एप्लीकेशन लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहां से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके काम आई होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। एक रिक्वेस्ट है गाइज कि अगर सपोज आपकी आपके काम की ये जॉब नहीं है, तो आप इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। आपके सर्किल में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो जॉब ढूंढ रहे होंगे और जो इस प्रोफाइल के लिए फुल फुल फिट बैठते होंगे, तो आप उनको शेयर करके आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।